नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, नए साल में नए रूट पर ट्रेनें दौड़ाने की पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उज्जैन फतेहाबाद अमान परिवर्तन की, जिस पर कि पश्चिम क्षेत्र के सीआरएस महोदय 30 दिसंबर को निरीक्षण करने आएंगे। इस रूट के चिंतामन गणेश लेकोड़ा स्टेशनों का वे निरीक्षण करेंगे तथा फतेहाबाद तक स्पीड ट्रायल व ट्रैक का ट्रॉली द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इसके बारे में डीआरएम रतलाम के द्वारा बयान जारी किया है कि उज्जैन फतेहाबाद गेज परिवर्तन कार्य तथा उज्जैन विक्रमनगर कड़छा के बीच रेल मार्ग दोहरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सीआरएस 2 दिन के उज्जैन दौरे पर आने का निवेदन किया है तथा उन्होंने संभावना जताई है 29 को विक्रमनगर कड़छा तथा 30 दिसंबर को उज्जैन फतेहाबाद गेज परिवर्तन कार्य का निरीक्षण करके संचालन की अनुमति दे सकते हैं। करीब 450 करोड़ की लागत से इसे पहले चरण का कार्य उज्जैन से कड़छा तक का पूरा हो चुका है। इसका भी निरीक्षण सीआरएस महोदय करने वाले हैं। 29 दिसंबर को इस मार्ग पर ट्रेनों के संचालन की हरी झंडी उनके निरीक्षण के बाद मिल जाएगी। इसके बाद कड़छा से इंदौर के 70 किलोमीटर का कार्य रेलवे ने वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल कोरोना संक्रमण के कारण रेलवे प्रशासन ने कड़छा से इंदौर के बीच कार्य पर रोक लगा रखी है। वहीं चिंतामन गणेश स्टेशन अब बनकर पूरा तैयार हो चुका है। साथ ही लेकोड़ा फ्लैग स्टेशन पर भी लगभग सारा कार्य पूरा हो चुका है। गेज परिवर्तन का कार्य 250 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें कि 3 बड़े पुल व 26 छोटी पुलियां बनाई गई हैं तथा चिंतामन गणेश स्टेशन पर भव्य 2 मंजिला भवन का निर्माण किया गया है तथा 600 मीटर लंबा प्लेटफार्म बनाया गया है ताकि 24 कोच की ट्रेन आराम से खड़ी हो सकती है। स्टेशन की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग भी की जा रही है। वर्ष 2014 में मीटर गेज ट्रेनों को आमान परिवर्तन करने के लिए इस रूट पर बंद कर दिया गया था तथा उसके बाद कोरोना लॉकडाउन लगने की वजह से यह कार्य जो कि मार्च 2020 में पूरा होना था पूरा नहीं हो पाया। इसलिए अब यह कार्य जाकर पूरा हुआ है। हम सभी को 29 व 30 दिसंबर का इंतजार है, जब सीआरएस महोदय इन दोनों बहुप्रतीक्षित कार्यों का सीआरएस इंस्पेक्शन करेंगे। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।